लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ग्राम सभा खुनौली के ग्राम प्रधान श्री गौरीशंकर गुप्ता द्वारा वितरण किया गया कंबल। ग्राम सभा खुनौली के ग्राम प्रधान द्वारा हर वर्ष गांव के जरूरतमंदों में किया जाता है कंबल का वितरण। इस वर्ष भी ठंड से बचाव के लिए रोज ग्राम सभा के मंदिर में भजन कीर्तन करने वाले कर्तनियों को कंबल देकर किया गया सम्मानित, ताकि उनका मन भगवान के भक्ति में लगा रहे, जिससे ग्राम सभा के कई गणमान उपस्थित रहे। ऋषिकेश यादव, अमरीश पासवान, कृष्णमणि पटेल, राजेश गुप्ता, शक्ति पटेल, फुलवंत, प्रहलाद गुप्ता, रमेश, गुड्डू गुप्ता, चंद्रभूषण, जयराम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। प्रधान होने से पहले भी मैंने इसे कंबल हर बुजुर्गों को और विधवाओं को देते थे। प्रधान होने के बाद एक दो साल दिए तो लोग आपत्ति करने लगे कि मतलब ये प्रधानी फंड से जो है, गांव के फंड से जो है, एक कंबल वितरण हो रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। तो उसमें पिछले साल से बंद कर दिया। अब जो है ये जो हर कीर्तन, इस मंदिर में हर मंगलवार को हर कीर्तन होता है, तो जो लोग भी हर कीर्तन यहाँ गाने के लिए आते हैं तो उनको मतलब ठंडी लगती है, इसलिए जो है वो कंबल जो है सर ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा तो काफ़ी पहले से है, जब ये प्रधान नहीं थे तब से था, लेकिन बीच में लोगों ने आपत्ति कर दिया तो एक साल दो साल बंद हो गया। लेकिन ये वाला मंदिर वाला जो काम है ये चलता रहता है, वो हर साल अनवरत जो है चलता है। ये तो हर कीर्तन करने कर रहे लोगों को ठंड से बचाने के लिए वितरण किया गया है। हाँ, वो जो है अभी यहाँ जो है अब आते हैं सब शाम को लोग हर कीर्तन गाने के लिए, तो जरूरी बात है कि ठंडी तो लगता होगा, तो इसलिए जो है कुछ है उनको ऐसा मतलब दिया जाता है। उन्हें चादर इस साल दिए हैं तो हर साल जैसे बदल बदल के कुछ ना कुछ कंबल दे देते हैं या चादर दे देते हैं, ताकि उससे उड़ करके लोग जो है यहाँ आ करके हर मंगलवार को कीर्तन कर सकें। महाराजगंज के निचलौर से बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।